बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको चैनल ख्याल करें में खुश आमदी। और आज हमारा विज़िट है सरजानी टाउन, मरकज़ी बागबहार सरजानी टाउन, कराची, पाकिस्तान। यहाँ पर उर्स है, हुजूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह का उर्स है। आज 26 है, 26 पे आलमी रूहानी वर्कशॉप हो रही है। आइए विज़िट करते हैं, दिखाते हैं आपको। देखिए ये है स्टॉल है, खुश आमदी इस्तकबालिया। देखिए ये स्टॉल है यहाँ पर, ये मतलब की दवाइयाँ हैं और इसमें ये कलरफुल बॉटल्स हैं जिसमें रंग रोशनी से इलाज किया जाता है, उसके लिए ये यूज़ होती हैं ये कलर बॉटल्स। देखें ये कलर बॉटल्स हैं, इससे पानी तैयार किया जाता है, इसके इलाज के लिए काम आती है। ये है रोगन ग्लोसब्स, एक दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करें आप और फीडबैक दें कैसा है रोगन ग्लोसब्स। ये आपको किसी भी बड़े जनरल स्टोर से मिल जाएगा और ये अजीमी दवा खाने से भी मिल सकता है आपको। देखें ये स्टॉल है ये, और ये देखते हैं किस किस। देखें ये बलून है, ये बनाया है, इसके अंदर लाइट लगी हुई है। इसकी कॉस्ट क्या है? 250 इसकी कॉस्ट है। ये बना रहे हैं यहाँ पर, ये लिहाफ गद्दे वगैरह हैं, वो ख़वातीन हज़रात जो आउट ऑफ कंट्री आउट ऑफ सिटी से आते हैं ये उनके लिए। देखें ये बुक है तज़किरा ख्वाजा शमशुद्दीन अज़ीमी, आने वाले वक्त में मैं इसकी बाकायदा पूरी एक इसके मुतालिक बताऊंगा। ये किताब अगर आपको हज़रत ख्वाजा शमशुद्दीन अज़ीमी साहब के बारे में फुल मालूमात चाहिए तो इस किताब का ज़रूर मुताला करें। जी सर, बेसिकली ये कंपाइलेशन है हुजूर हज़रत ख्वाजा शमशुद्दीन अज़ीमी साहब के इल्मी खतूत का। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त मार्केट में इनकी ऑलरेडी 6 किताबें ज़ेर तबादला से आरास्ता होकर मंजर यहाँ पर आ चुकी हैं, लेकिन वो तमाम जो खतूत हैं ना वो मसले मसाइल के हवाले से हैं। ये उन खतूत की कंपाइलेशन है जो कि हुजूर ने इल्मी नौयत के जवाब दिए हैं, जिसमें किसी नुक्ते को बयान फरमाया। और इसमें जो अहम बात है वो ये कि ये 1962 के इसके अंदर 2 लेटर शामिल हैं, जिसमें से एक ख़त जो हुजूर कलंदर बाबा औलिया ने हज़रत ख्वाजा शमशुद्दीन अज़ीमी साहब के नाम लिखा है, और एक ख़त जो है वो हुजूर मुर्शिद करीम ने जो बाबा साहब के नाम लिखा है। तो ये एक मतलब आप कह सकते हैं कि एक नायाब चीज़ है जो इसके अंदर हमने शामिल किया। थैंक यू सर। जी ये ग्लोसब शैम्पू वगैरह, ग्लोसब ऑर्गेनिक शैम्पू है, ये हर्बल शैम्पू है और इसका जो है डेंड्रफ के हवाले से बहुत अच्छा शैम्पू है। ये गिरते वालों को भी रोकता है और जड़ों को मजबूत करता है। ये लुबान से तैयार करता है, ये घर में ये लुबान से तैयार की जाती है। जी हाँ, लुबान से तैयार की जाती है। जैसे घर में जाना है नज़र बंद वगैरह वो होता है असरात वगैरह, तो उनसे इनसे काफ़ी बेहतर। अगर घर में असरात वगैरह हो या किसी आसेब का साया वगैरह किसी चीज़ उसके लिए बहुत बेहतर चीज़ है ये। इसके प्राइस क्या है? इसके 250 प्राइस है। 250 प्राइस है। और ये क्या है? ये जो है रोगन ग्लोसब्स है, ये बालों के लिए मुफीद है, गिरते बालों को रोकता है, बालों को सियाह करता है। थैंक यू, थैंक यू।
राग बहल के अतराफ का हिस्सा है, यहाँ पे भी स्टॉल लगे हुए, आइए देखते हैं। ये कमजोर हो जाते हैं। ये बुक स्टॉल है, आइए विजिट कराते हैं। ये स्कूल की बुक्स हैं, इसमें देखें ये इस्लामियात की है, ये उर्दू कायदा है, ये बुक्स स्कूलों में भी लगी हुई हैं, स्कूल की बुक्स हैं। ये मरकज़ी इमराक बहाल से या किसी बड़े बुक स्टॉल से मिल सकती हैं आपको। चप्पल लगा दो ऊपर। ये सब स्कूल बुक्स हैं इस्लामियत की, प्राइमरी लेवल की और सेकेंडरी लेवल की, और ये प्री नर्सरी के लिए कायदे और इंग्लिश की बुक्स हैं। ये अजीमी पब्लिक स्कूल की जानिब से ये स्टॉल लगा हुआ है, प्रोजेक्ट लगे हुए इनके। देखिए ये प्रोजेक्ट है, परिंदों पर तफक्कुर करें। ये प्रोजेक्ट बनाया गया है स्कूल के बच्चों ने। ये देखें ये है मराग बहाल, और ये सामने स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पर, यहाँ पे भी चेक करते हैं। ये सिलसिला अजीमिया का टाउन सेटअप है, और ये जो प्रोग्राम्स हुए हैं उसकी पिक्चर्स हैं।
مختصر طریقے سے میں دکھا رہا ہوں کیونکہ ویڈیو بہت بڑی ہو رہی ہے، اس لیے دوستو جی جی اس میں ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے، ان کی پرسنل گروئنگ کے حوالے سے ان کے پروگرام کیے جاتے ہیں، کہ اس کے کچھ پروگرامس کوریج کیے گئے، اور اس طرح ہماری سلسلہ جینے کی بیسک جو تعلیمات ہیں اس کو ترویج دینے کے لیے ہم نے کچھ ورک شاپس اور کچھ نشستیں کی ہیں، یہ ان کی کچھ ایکٹیویٹیز کا فارمیٹ ہے جو آپ اس بینیفٹس پہ دیکھ رہے ہیں، اور اس میں انداز مقاصد سے ریلیٹڈ پلین دی بلینک پر ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں، اسباق کو ترتیب دیا جاتا ہے، اور یہ ایک پروگرام جو ہے ابا حضور نے ترتیب دیا تھا اس کے حوالے سے ہے کہ نوجوانوں کو جو پیغام دیا جاتا ہے ان میں تصوف کی تعلیمات، انتظامی امور، مضمون نویسی، شخصی تعمیر اور کیریئر گائیڈنس سے ریلیٹڈ ورک شاپس اور پبلک اسپیکر بلائے جاتے ہیں موٹیویشنل اسپیکر۔ دیکھیے کتنا پیارا پروجیکٹ بنایا ہوا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے ہر بچہ اللہ کا دوست ہے۔ کلندر شو اکیڈمی